फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेरी रहेगा इट विल बी रिगार्डिंग क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रेज करने में गलतियां कर रहे हैं। कीप दैट इन माइंड, जो पूरा का पूरा जीएसटी एक्ट बना है उसके अंदर जो भी क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स बनाने हैं वो खाली के खाली सप्लायर को ही बनाने हैं। ओनली सप्लायर कैन इश्यू क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, नो रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इश्यू एनी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने आपको गुड सप्लाई किए हैं और उस सिनेरियो में अगर क्रेडिट नोट इश्यू करना है या डेबिट नोट इश्यू करना है तो वो मुझे इश्यू करना है। एज अ रिसिपिएंट आपको कोई क्रेडिट नोट कोई डेबिट नोट इश्यू नहीं करना है। कीप दैट इन माइंड, मैं अपना जब GSTR 1 भरूंगा तो उसके अंदर मुझे क्रेडिट नोट शो करना है, और जब वो क्रेडिट नोट मैं अपने GSTR 1 में शो करूंगा तो उसके ऊपर से आपको GSTR 2 में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देना है। आपको कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू नहीं करना है। ऑल क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड ओनली बाय सप्लायर। अगर आप गलती से रिसिपिएंट कैटेगरी में क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको गुड सप्लाई किए थे, लेट्स से 100 रुपए के गुड सप्लाई किए थे, और उस सिनेरियो में आप मुझे सेल्स रिटर्न करके दे रहे हो, पूरे के पूरे गुड्स वापस दे रहे हो, या फिर मैंने आपको गुड सप्लाई किए थे और उस सिनेरियो में हम लोग जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको रीनिगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि कैश डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, तो उस सिनेरियो में जो रिवाइज टैक्सेबल वैल्यू है हो रहा है वो 90 रुपीज के हिसाब से हो रहा है। तो अगर 100 रुपए के हिसाब से मैं ऑलरेडी इन्वॉइस इश्यू कर चुका हूं तो अब 90 रुपीज का डिफरेंस एडजस्ट करने के लिए जो क्रेडिट नोट अगेन इश्यू करना है वो मुझे इश्यू करना है। आपको एज अ रिसिपिएंट कोई डेबिट नोट इश्यू करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर वे थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मान लो कि मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, जो भी गुड्स मैं आपको बेच रहा हूं, मैं मान लो कि 100 रुपए के गुड्स है और मैं आपको 10 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, बट जब आपके वहां पे वो यूनिट्स रिसीव हुए हैं तो उस सिनेरियो में मे बी यू हैव ऑब्जर्व ओनली 8 क्वांटिटीज और 2 क्वांटिटी आर मिसिंग, तो उस सिनेरियो में भी जो 2 यूनिट्स के लिए क्रेडिट नॉट डेबिट नॉट इश्यू होना चाहिए वो मुझे एज अ सप्लायर क्रेडिट नॉट इश्यू करना है। आपको एज अ रिसिपिएंट कोई डेबिट नॉट इश्यू नहीं करना है। कीप दैट इन माइंड, पूरे के पूरे जीएसटी एक्ट के अंदर जो भी नोट्स इश्यू होंगे वो खाली के खाली ओनली सप्लायर इश्यू करेगा, कोई रिसिपिएंट को क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करना है। उन्हें तो सिंपली क्या देना है फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस देना है। लेट्स टेक इट फर्दर। नाउ लेट्स से मैंने आपको 1 लाख रुपए के गुड्स दिए थे जिसके ऊपर 18% के हिसाब से मैंने जीएसटी चार्ज किया हुआ है 18,000 रुपीज का, बराबर 1 लाख रुपए के गुड्स है और उसके ऊपर 18,000 का जीएसटी चार्ज है। अब ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट जब आप मुझे ऑन रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स जब आप ये बोल रहे हो कि ये गुड्स मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो आप पूरा का पूरा क्वांटिटी मुझे रिजेक्ट करके वापस दे रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा क्वांटिटी मुझे रिजेक्ट करके वापस दे रहे हैं तो उस सिनेरियो में अब उस सेल्स की इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो क्रेडिट नोट इश्यू होगा वो मुझे देना है। आप एज अ रिसिपिएंट कोई डेबिट नोट नहीं रेज करने वाले हो, रादर जो क्रेडिट नोट मुझे देना है वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेज करके दूंगा। यानी मैं 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट बनाऊंगा उसके ऊपर 18% के जीएसटी का इफेक्ट दूंगा टू नलीफाई इट्स इफेक्ट, और ये क्रेडिट नोट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसकी इफेक्ट मैं अपने GSTR 1 और 2 के हिसाब से दूंगा, मैं अपने GSTR 1 के हिसाब से दूंगा। आपको तो सिंपली उसका एक्सेप्टेंस ही देना है थ्रू GSTR 2। तो कोई बोले फिर सर लॉ के अंदर या फिर GSTR 1 फॉर्म के अंदर तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट दोनों इश्यू करने का पावर दिया हुआ है। फ्रेंड्स अग्रीड, GSTR 1 के अंदर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों इश्यू करने का पावर दिया हुआ है, बट कीप दैट इन माइंड जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू करने का पावर दिया गया है उसमें क्रेडिट नोट ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको समझाया उसके रिगार्डिंग है कि भाई सेल्स रिटर्न हो या फिर वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू रिवाइज हो जाए या फिर क्वांटिटी डेफिसिट हो तो उस सिनेरियो में क्रेडिट नोट इश्यू होगा। जबकि जो डेबिट नोट है वो एक अलग पर्पज के लिए इश्यू करना है, वो भी अगेन सप्लायर ही इश्यू करेगा बट वो एक अलग पर्पज के लिए होगा। मान लीजिए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए का बिलिंग किया हुआ है और उसके हिसाब से मैंने जीएसटी चार्ज किया हुआ है, बराबर है 1 लाख रुपए का बिल है और 18% का जीएसटी चार्ज हुआ है मेरे बिल के थ्रू। अब मान लीजिए कि आप मुझे पेमेंट करने में डिले कर रहे हैं तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, मे बी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, मे बी इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ फ्रेंड्स उसके लिए मुझे डेबिट नोट बनाना है, और वो डेबिट नोट मैं अपने रिसिपिएंट के नाम का रेज करने वाला हूँ सेइंग दैट आप एक्स्ट्रा अमाउंट दीजिए मुझे। या फिर मान लीजिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था कि भाई एक सिचुएशन है जहां पे मैं आपके लिए एक्स वर्क परफॉर्म करके दूंगा और उसके लिए मैं आपके नाम का इनवॉइस बना रहा हूँ। अच्छा, जब वर्क कंप्लीशन पे आया तो आपने मुझे बोला कि अच्छा आप मुझे ये एक्स्ट्रा काम करके भी दे सकते हो, तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम,
अब उस एक्स्ट्रा काम के लिए मुझे अलग से इनवॉइस रेज करना है। अच्छा, अगर मैंने ओरिजिनल इनवॉइस अब तक रेज ही नहीं किया है तो मैं टोटल अमाउंट का इनवॉइस रेज करूंगा। बट अगर मैं ओरिजिनल इनवॉइस रेज कर चुका हूं और आप मेरे से एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम डिमांड कर रहे हैं और वो एक्स्ट्रा काम मैं करके दे रहा हूं, तो उस एक्स्ट्रा काम का जो मैं इनवॉइस बनाऊंगा फ्रेंड्स, वो मैं बनाऊंगा डेबिट नोट के नाम पे, और वो डेबिट नोट के हिसाब से अगेन मुझे जीएसटी चार्ज करना रहेगा आपके ऊपर। सो कीप दैट इन माइंड, क्रेडिट नोट अलग पर्पज के लिए इश्यू हो रहा है, डेबिट नोट अलग पर्पज के लिए इश्यू हो रहा है, बट जो भी इश्यू हो रहा है वो खाली सप्लायर इश्यू कर रहा है, रिसिपिएंट को यहां पे कुछ भी इश्यू करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिसिपिएंट, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ना क्रेडिट नोट इश्यू करे ना डेबिट नोट इश्यू करे, ऑल द क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड ओनली बाय सप्लायर। अच्छा, कोई बोले कि सर हमें तो जीएसटी आर 2 में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल डालने की परमिशन दी हुई है। हाँ फ्रेंड्स, वो जो परमिशन दी हुई है वो एक अलग ऑब्जेक्टिव है। क्या? तो क्या मान लीजिए कि एज अ सप्लायर मैंने आपके नाम का क्रेडिट नोट इश्यू किया है, सो उस सिनेरियो में मैं अपने जीएसटीआर 1 के थ्रू आपको क्रेडिट नोट की डिटेल दे दूंगा आपके नाम का, बराबर। बट अगर मैं जीएसटीआर 1 में उस क्रेडिट नोट की डिटेल देना भूल जाता हूं तो आप अपने जीएसटीआर 2 के थ्रू वो ऐड कर सकते हैं। बट कीप दैट इन माइंड, वो क्रेडिट नोट मैं इश्यू कर रहा हूं और आपको ऐड करना है, आपको कोई डेबिट नोट इश्यू नहीं करना है उसके लिए। क्रेडिट नोट विल बी इश्यूड बाय मी एंड आई विल शो दैट एज पार्ट ऑफ माय जीएसटीआर 1, एंड इफ आई मेक अ मिस्टेक इन शोइंग दैट एज पार्ट ऑफ माय जीएसटीआर 1, देन यू हैव अ राइट टू ऐड इट, बट दैट डजंट मीन के यू हैव टू शो द यू हैव टू इश्यू द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट विल बी इश्यूड बाय ओनली सप्लायर। सेम वे अगर मैंने किसी को गुड्स बेचे हुए थे और बाद में प्राइस बढ़ रहा है, तो उस सिनेरियो में मैं डेबिट नोट इश्यू करूंगा और वो डेबिट नोट मैं अपने जीएसटीआर 1 के थ्रू दूंगा। अगर मैं देना भूल जाऊं तो एज अ रिसिपिएंट मैं डेबिट नोट ऐड डेबिट नोट दे रहा हूं, बट उसको जीएसटीआर 1 में ऐड करना भूल जाऊं, तो एज अ रिसिपिएंट आप उसको जीएसटीआर 2 में ऐड कर सकते हैं, बट आपको डॉक्यूमेंट इश्यू नहीं करना है। डॉक्यूमेंट तो मैं ही इश्यू करूंगा, खाली आप ऐड कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो कीप दैट इन माइंड फ्रेंड्स, ऑल द क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स आर टू बी इश्यूड ओनली बाय सप्लायर, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड बाय रिसिपिएंट। हाँ, वो इश्यू करने का टाइम लिमिट फ्रेंड्स आई थिंक सबको पता ही है, नेक्स्ट ईयर का। अभी आपको इश्यू नहीं करना है, अभी तो इश्यू कर ही सकते हो, बट आप नेक्स्ट ईयर सितंबर महीने का जो रिटर्न फाइल करें, दैट इज आई थिंक 20th October, बिकॉज सितंबर महीने का नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल होगा 20th October, या फिर इस साल का जो एनुअल रिटर्न फाइल करे, वो दोनों में से जो भी डेट पहले हो वहां तक कभी भी इश्यू कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 17-18 का एनुअल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं अक्टूबर 2018 के अंदर, और सितंबर महीने का रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं 20th अक्टूबर 2018 को, तो 20th अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 जब हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन दोनों में से जो अर्लियर जो भी डेट हो वो डेट तक हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। बट एज आई सेड, ऑल द डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स आर इश्यूड टू आर सपोज टू बी इश्यूड ओनली बाय सप्लायर, नथिंग इज टू बी इश्यूड बाय एनी रिसिपिएंट। Thank you very much friends. For any further query, you may subscribe to our channel, Simplified GST @DHVL.Gandhi. Thank you.